फाइल के अंदर आता है न्यू। अब न्यू में आप लोग जनरली ब्लैंक वर्कबुक या कंट्रोल एन करके ब्लैंक वर्कबुक यूज कर लेते हैं, लेकिन न्यू के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेम्पलेट। जैसे मान लीजिए आपको एक बैलेंस शीट बनाना है, आप अकाउंट टीम से हैं तो बैलेंस शीट फटाक फटाक बना देंगे, लेकिन जो अकाउंट का बंदा नहीं है उसको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि बैलेंस शीट में फील्ड कौन कौन होते हैं, फॉर्मेट कैसा होता है, राइट राइट। तो उनके लिए ये टेम्पलेट काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पे बैलेंस शीट शीट ऐसे कीवर्ड को सर्च करेगा तो यहाँ पे आपके देखिए ब्लू बैलेंस शीट आ गया। कहाँ पे जाके किया आपने? यहाँ सर्च में, नीचे सर्च है ना आपका, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है, शीट बैलेंस शीट एंड ऐसे कीवर्ड को सर्च करेगा, यहाँ भी इसको दिख जाएगा, बस इसको क्रिएट करेगा। क्रिएट करते ही यहाँ आ गया समरी, ये आ गई असेस्ट, ये आ गया लाइबिलिटीज। इसी तरह से मान लीजिए आपको इनवाइस बनाना है, आपको अगर इनवाइस बनाना है तो क्या करेंगे आप यहाँ न्यू के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इनवाइस मैंने पहले यूज किया हुआ है, अगर मैंने यूज कर लूंगा वो यहाँ चला आता है, ठीक है, ऊपर में, और जो फर्स्ट टाइम करते हैं यहाँ आ जाता है। यहाँ पे मैंने विल या इनवाइस ऐसे कीवर्ड को सर्च किया तो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। अब जो विल इनवाइस आपकी रिक्वायरमेंट पे मैच करता है उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्रिएट करें। क्रिएट करते ही आपका आ जाएगा, बस यहाँ पे अपना लोगो डालना है, बाकी जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको चेंज करना है और ये आपका इनवाइस प्रिंटेड आ जाएगा। पूरा सेटिंग पिन हर चीज सेट किया हुआ, राइट, ठीक। टेम्पलेट हमारा टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट में हम बात करते हैं क्या हम खुद टेम्पलेट क्या है, क्या खुद के टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब होता है कि आप ऑफिस में क्या करते हैं, आप अपनी पुरानी रिपोर्ट नई रिपोर्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, पुरानी रिपोर्ट को ओपन करते हैं, देन सेव एज टू न्यू रिपोर्ट्स, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं उसकी जो पुरानी जो डेटा है उसको क्लियर करते हैं, देन नया डेटा उसमें डालते हैं, राइट सर, राइट। तो इसमें क्या होगा, आपको हर बार ही करना पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने रिपोर्ट फॉर्मेट का टेम्पलेट तैयार करें ताकि हमें बार बार ये चीजें ना करना पड़े। वो कैसे की जा सकती है, तो उसको करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ एक टेम्पलेट में यहाँ बना रहा हूँ सिंपल सा, देखिए क्या करना है, डेली सेल्स रिपोर्ट, एक छोटा सा टेम्पलेट ऐसे ही डमी में बना रहा हूँ। लोकेशन डेट यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अंडरलाइन का बॉर्डर देते हैं और यहाँ भी अंडरलाइन का बॉर्डर देते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, डिस्काउंट, जीएसटी एंड टोटल एंड स्टॉक, ठीक है, और इसको हमने यहाँ से इस तरह से बॉर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पे टोटल हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ द क्वांटिटी, और यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा देते हैं, एवरेज ऑफ एमआरपी, और फिर यहाँ पे सम करते हैं डिस्काउंट, जीएसटी एंड ऑल्सो टोटल, और स्टॉक हम यहाँ डाल देते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और ए वाली बॉर्डर जो है ए वाली पहले तो ए देते हैं, उसके बाद हम इसमें ए वाली बॉर्डर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम चेक्ड बाय और यहाँ पे हम
हमारा एक छोटा सा रिपोर्ट बन गया है। अब इसकी प्रिंटआउट लेके हम सिग्नेचर वगैरह करते हैं, बाकी यूज करते हैं, राइट। अब इसमें एक काम और करते हैं, पेज लेआउट में जाके मैं इसकी ग्रिड लाइन को हटा देता हूँ। अब ये रिपोर्ट हो गई, हर दिन मुझे क्या करना होता है कि इसमें इसको पुराने डिटेल्स को यहाँ से खाली करके और फिर इसमें अपना नया डिटेल फिल करते हैं और फिर इसको मेल कर देते हैं, ठीक है सर। राइट। तो हर बार मुझे करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं इस फाइल को सेव एज ब्राउज में मैं जाता हूँ और टैम्पलेट, मतलब कि यहाँ से टैम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। फाइल टाइप जो है ना, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक आता है, उसके जगह पे आप एक्सेल टैम्पलेट को सिलेक्ट कर लें, लोकेशन पे जाए और यहाँ पे हम सेल्स नाम से टैम्पलेट बना के सेव कर लें। सेव हो गया सर। अब नेक्स्ट टाइम मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए सेल्स नाम का मेरे पास आ गया होगा बन के, ऊपर यहाँ पे आ गया सर। अब इसका आइकन देखिए, इसका आइकन चेंज है क्या? हाँ, इसका आइकन चेंज है ना सर। हाँ, अब इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल्स वन खुल के आएगा, दोबारा करेंगे सेल्स टू, सेल्स थ्री, सेल्स फोर, यहाँ देखिए ऊपर दिख रहा है सर। अब मैं अगर दोबारा इसको खोला तो ये आएगा सेल्स टू। जैसे आपकी नई वर्कबुक जब खोलते हैं तो बुक वन बुक टू आता है ना, ऐसे आपका सेल्स वन सेल्स टू आ रहा है। तो आपने क्या किया, एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, इसमें कुछ भी एंट्री करेंगे, जैसे कंट्रोल एस करेंगे ऑटोमेटिक वो सेव एज हो, मतलब आपका जो ओरिजिनल फॉन्ट है वो फॉन्ट कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, लेकिन सेल्स टू कैसे आया वो नहीं समझा। जब जितना बार ओपन करेंगे उतना बार सेल्स टू सेल्स टू सेल्स थ्री सेल्स फोर, जैसे आप नया वर्कबुक लेते तो बुक वन पहला बार आता है, ये तो सेल्स वन आया। सेल्स वन आया, अब मैं दोबारा इसको ओपन करूंगा सेल्स टू आएगा, आया सेल्स टू। मैं तीसरा बार ओपन करूंगा तो यहाँ पे आ जाता है सेल्स थ्री। जस्ट लाइक नई वर्कबुक सर, नया फाइल आप लेते हैं तो बुक वन आता है। मान लीजिए मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करता हूँ, न्यू ब्लैंक वर्क, ये क्या आया, बुक वन आया। अब मैं दोबारा फिर से बुक वन क्लिक करूंगा तो बुक टू आएगा, फिर से करूंगा बुक थ्री आएगा। लाइक दैट आपका जो है सेल्स, आप जितना बार फाइल ओपन करेंगे उतने हिसाब से नंबर जनरेट होता जाएगा। तो टेम्पलेट समझ में आ गया आपको? हाँ।